जय जय श्री राम। दोस्तों देख सकते हैं, ये है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर। यही वो फल है जो प्रभु श्री राम 14 वर्ष जब वनवास में थे तो खाया करते थे। दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पिताजी दशरथ जी के महल के पास। ये मेरे पीछे जो महल आप देख रहे हैं, ये है दशरथ जी का महल। यहीं पे वो अयोध्या के अंदर रहा करते थे। तो चलिए अभी मैं अंदर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ अच्छे से प्रभु श्री राम के पिता दशरथ का महल। जिस जगह पे खड़े हैं ये राजा दशरथ जी का महल है। इसी जगह पे जो है भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई किसी ज़माने में यहाँ खेलते खेला कूदा करते थे। उसी के बगल में यहाँ पे कनक महल है, जहाँ भगवान रामचंद्र जी जनकपुर गए, सीता माता के साथ में शादी विवाह लगन किए, तो भगवान की डोली पालकी दशरथ महल में उतारी गई। भगवान को जो है मुँह दिखाई में केकई माता ने सीता माता को कनक भवन दिया था, जो किसी ज़माने में सोने चांदी का हुआ करता था, आज के ज़माने में यहाँ पे नहीं है। उसी के बगल में 300 मीटर की दूरी पे भगवान रामचंद्र जी का जन्म भूमि है, जो बाबर बादशाह का राज आया, मंदिर को तोड़ दिया गया, तोड़ करके वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाया गया। सन 1992 में सभी राम भक्त ने मिलकर के राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, हर देश से राम भक्त आए, जो सरजू नदी पर जाकर संकल्प लिए कि बच्चा बच्चा राम का और जन्मभूमि के काम का, और जो नहीं हमारे राम का वो नहीं किसी के काम का। सन 1992 में उसी मंदिर में 4 घंटे के अंदर में बाबरी मस्जिद को नामो निशान ख़त्म कर दिया गया। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ये देख सकते हैं दोस्तों अंदर का गेट है दशरथ महल का, और यहाँ पे जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो देखिए कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, इसी वजह से अयोध्या में जगह जगह पर इस तरह के भंडारे आपको चलते हुए मिल जाएंगे, आप जहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, और ये है महल को अंदर जाने का रास्ता, और अभी मैं चलता हूँ सीधा अंदर, और अंदर आपको मैं दिखाता चलकर जहाँ पर प्रभु श्री राम के पिता दशरथ जी रहा करते थे, और जहाँ पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का जो बचपन है, जो गुजरा है, जहाँ पर उन्होंने अपने बचपन के दिन गुजारे हैं, उस महल को मैं दिखाने जा रहा हूँ अंदर से। लिखा हुआ है जैसे ही हम अंदर आते हैं, तो ये रहा मुख्य महल, और ये देख सकते हैं यहाँ पे संकट मोचन जय हनुमान जी का मंदिर है, और ये है दशरथ का महल। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ के राजमहल के अंदर। देखिए जो ये मंदिर के मुख्य द्वार है उसका देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत ये डिज़ाइन बना हुआ है। आप देखिए कितनी भव्य तरीके से इस पेंटिंग से इस मंदिर जैसे महल को एकदम मंदिर बना दिया गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देख सकते हैं सामने आपको ये मूर्तियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, देख सकते हैं राम लक्ष्मण जी की, और ये एक मूर्ति है और एक वो मूर्ति है, और एक ये सामने देख सकते हैं पालकी जो है वो रखी हुई है, और जो प्रभु श्री राम के जो बचपन की तस्वीरें हैं वो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रही होंगी। ये है दशरथ जी का महल, देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत आपको ये दिखाई दे रहा होगा। इधर देखिए पेंटिंग्स जो हैं बहुत ही भव्य जो पेंटिंग है वो आपको देखने को मिल रही है। यहीं पर ही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों के बचपन के जो दिन हैं, जो बचपन की यादें हैं जो इस महल से जुड़ी हुई हैं, वो इसी महल में बचपन में खेला कूदा करते थे। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कनक भवन, तो अभी ये रास्ता जाता है सीधा कनक भवन के लिए। तो चलिए अभी मैं चलता हूँ सीधा कनक भवन, और वहीं मिलते हैं आपसे। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मंदिर कनक भवन श्री अयोध्या जी। तो अभी मैं आ चुका हूँ कनक महल के अंदर। दोस्तों कहा जाता है जब प्रभु श्री राम का माता सीता के साथ जब विवाह हुआ था, जब लगन हुआ था, जब वो अयोध्या आए थे विवाह करने के बाद, तब माता केकई ने इस महल को माता सीता को मुँह दिखाई में दिया था। कहा जाता है कि पहले ये महल सोने का हुआ करता था, लेकिन अभी जो है आप देख सकते हैं किस कंडीशन में है,
और इस महल को कनक भवन और कनक महल के नाम से जाना जाता है। माता सीता को माता केकई ने मुंह दिखाई की रस्म में इस महल को दिया था। लेकिन दोस्तों अभी बज रहे हैं 12:30 और कहा जाता है सुबह से 12 बजे तक खुला रहता है और 12 बजे के बाद 4 बजे से शाम तक ये महल खुला रहता है। अभी आप देख सकते हैं मंदिर के जो कृपाण हैं वो बंद हो गए हैं और ये 4 बजे खुलेंगे। अंदर से जो मंदिर है बहुत ही ज़्यादा भव्य है, मैं अंदर से आपको दिखाऊंगा जब ये 4 बजे खुलेगा। दोस्तों अभी मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि प्रभु श्री राम की बहुत ही मनपसंद थी, जो कि अंकल जी बेच रहे हैं। अंकल जी यही वो फल है जो प्रभु श्री राम 14 वर्ष जब वनवास में थे तो खाया करते थे, इससे क्या क्या फायदे होते हैं? इससे फायदा ये दिखा भैया। अच्छा तो आप इसे कहाँ से लेके आते हैं? चित्रकूट से आता है। चित्रकूट से लेके आते हैं और यहाँ पे अयोध्या में बेचते हैं प्रसाद के रूप में। प्रसाद के रूप में। अच्छा तो इसका क्या नाम है? कंदमूल फल। कंदमूल फल। अच्छा यहाँ पे अंकल जी ने लिखा भी है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी है प्रभु श्री राम यहाँ पे लिखा हुआ है, जय श्री राम कंदमूल फल। इसे भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास में खाया था। देखिए मीठा फल स्वादिष्ट होता है या पेट की सभी मर्जों को लाभदायक होता है ना। चलिए अभी मैं भी एक लेता हूँ और देखता हूँ टेस्ट करके कि कैसा लगता है जो प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष वनवास के दिनों में कंदमूल फल खाया था। एक पीस देना हमें भी। ये जो एक पीस है ये 10 रुपये का है और मैं टेस्ट करके देखता हूँ ये कैसा लगता है। ये बहुत ही मीठा है और अगर इसका टेस्ट बताऊँ ना तो जैसे गाजर होती है गाजर वैसा ही इसका टेस्ट है, बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए अभी चलता हूँ सीधे राम मंदिर। विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हैं ना सभी की ये फोटो देखो आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे देखो राधा कृष्ण हैं जो पालकी में झूला झूल रहे हैं और इधर अगर आप देखेंगे तो ये है माता शेरावाली। ये देखिए चक्र इनका जो है चल रहा है और ये हैं लॉकर्स जिनमें आप सामान वगैरह रखेंगे जब भी आएंगे, क्योंकि मंदिर पे कोई भी सामान ले जाना अलाउड नहीं है। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ अमावा राम मंदिर के पास और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर धनुष बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और उधर अगर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी जो क्रेनें हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगी और यही सरयू नदी के किनारे राम मंदिर का जो निर्माण है वो हो रहा है। और ये देख सकते हैं आपको कुछ गुंबद जो हैं राम मंदिर के वो दिखाई दे रहे होंगे, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगर अभी मैं उस साइड से चलूँगा और आपको अच्छे से दिखाऊँगा तो चलिए अभी चलते हैं उस साइड से दिखाते हैं, क्योंकि इस साइड से जो रास्ता है वो क्लोज हो चुका है और नया रास्ता बनाया गया है जो उधर से जाता है सीधा। तो चलिए मैं उधर से चलता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ भव्य राम मंदिर के दर्शन कराता हूँ प्रभु श्री राम के। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ अमावा मंदिर के ऊपर, देख सकते हैं यहाँ पे जो धनुष का चित्र है वो बनाया गया है, ये अमावा मंदिर है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ दृश्य जो कि प्रभु श्री राम का राम मंदिर का दृश्य आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये प्रभु श्री राम के आप दर्शन कर लीजिए, जय श्री राम। ये जो है मंदिर का निर्माण यहाँ पे हो रहा है, देख सकते हैं। ये व्यू आपको जब ही मिलेगा जब आप अयोध्या के अमावा मंदिर की छत के ऊपर आएंगे, अभी मैं वहीं पर हूँ। आप देख सकते हैं जो कार्य है वो कितनी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। इधर आप देखेंगे तो ये मेन गेट है, इधर से ही एंट्री होगी मंदिर के लिए। और ये है पूरा मंदिर का आर्किटेक्चर, आप देख सकते हैं यहाँ पे बनाया गया है, इधर से पूरा एंट्री होगी। श्रद्धालुओं के जो राम भक्त हैं वो इधर से ही आएंगे। और पहले यहाँ पे दोस्तों थी बाबरी मस्जिद, जहाँ पर जो यहाँ बाबर ने यहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाई थी और उसको तोड़ने के बाद में ये राम मंदिर का यहाँ पर निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं आप साक्षात प्रभु श्री राम के राम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। देख सकते हैं दोस्तों इतना जो यहाँ से ये वाले मंदिर हैं ये बन चुके हैं, अभी जो मेन मंदिर का जो गुंबद है वो बनने को रह गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा जो मलबा है ये सब मंदिर के जो टाइल्स पत्थर हैं उनको लगने के बाद ये मलबा यहाँ पे आ रहा है। देखिए ये पूरा का पूरा ये रास्ता है, आप देख सकते हैं।